श्रमण संस्कृति का अभिन्न वर्षा ऋतु की आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ और अश्विन पूर्णिमा को समापन। बुद्ध धर्म के अध्ययन और अध्यापन हेतु भिक्खु संघ करता है आवास वर्षावास। भदंत धम्म सारथी की वाणी से। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व के सर्वश्रेष्ठ महामानव बुद्ध, तत्चक्रवर्ती सम्राट अशोक, भारतीय संविधान के निर्माता, बुद्धायन धम्मा ग्रंथा के निर्माता, विश्व के ज्ञान के प्रतीक विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी महामानव को मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे गुरु, मेरे आदर्श भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई जी, उनको नमन करते हुए युशन बुद्धा देखने वाले सभी श्रावक संघ को नमो बुद्धाय जय। आपके सामने शाक्य संघ के विषय के बारे में संबोधन किया जा रहा है। तो इस शाक्य संघ में जो भी सदस्य होता था उसको उसके कर्तव्य बताए जाते थे। एज ए मेंबर ऑफ संघ आपकी क्या जवाबदारी, आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये उनको पहले ही बताया जाता था सदस्य बनते ही। उससे वो जवाबदारी स्वीकार की जाती थी। साधारणतः उस समय चार प्रकार के कर्तव्य जवाबदारी दी जाती थी, कर्तव्य करना पड़ता था हर मेंबर ऑफ संघ जो भी सदस्य है इनको। तो पहले कि जो पूरा शाक्य संघ पूरे शाक्य लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए मैं तन मन धन से काम करूंगा, किसके लिए, पूरे शाक्य लोगों के हितों के लिए काम करने के। दूसरा था कि सभाओं में उपस्थित रहूंगा, अनुपस्थित नहीं रहूंगा, जितनी भी बार सभा होगी वहां पर मैं उपस्थित रहूंगा। तीसरा था कि न डरते हुए, न किसी भय को मानते हुए, शाक्य में अगर कोई दोष दिखाई देता है तो उस दोष को संघ के सामने रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? कि संघ में कोई दोष न हो, संघ में किसी प्रकार का दोष न हो, शाक्य लोगों में किसी प्रकार का दोष न हो, तो हम स्वयं अपने दोषों को फाइंड आउट करें और उस दोषों का हम निराकरण करें। अगर ये दोष हमारे में छुपे रहेंगे तो ये दोष हमारे लिए एक दिन घातक बन जाएंगे। इसलिए वो एक उनका जो कर्तव्य था वो था कि शाक्य संघ में अगर कोई दोष दिखाई देता है तो वो बिना डर से बताना चाहिए। और चौथा था कि अगर आप स्वयं पर अगर कोई दोषारोपण करता है, आप अगर दोषी हो, आपके ऊपर अगर कोई दोषारोपण करता है तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आप दोषी हो,
सही मायने में आपके हाथ से कोई दोष हुआ हो, आपके हाथ से कोई गलत कर्म हुआ है, काम हुआ है गलत काम, तो आप खुले दिल से स्वीकार कीजिए। वो पद्धति उस समय दोषों को खुले दिल से अपने दोष जो कृत्य है उस दोषों को, उस ऐसे बातों को जो गलत कार्य होते थे, ऐसे गलत कार्य को खुले तौर पे बताने की परंपरा थी। उस भिक्खु संघ में भी थी, उपोषद के दिन भिक्खु संघ भी, उसके हाथ से अगर कोई गलती हो जाए, गुनाह हो गया, तो स्वीकार करता था। तो एक संगठन के बहुमूल्य ऐसा एक ये थी कि हमारे हाथ से अगर कोई गलत काम होता है तो हम खुले दिल से उसको संगम में स्वीकार करें। अभी इस सिस्टम को नहीं माना जा रहा। अभी अपने जितने भी संगठन हैं, अध्यक्ष है, कितना भी गलती करो, उसमें कितने भी दोष हो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जो सेक्रेटरी है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अध्यक्ष है तो वो हमेशा बनाए रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता जिंदगी भर मरते दम तक। वो खुद होके स्वयं होके कभी नहीं बोलेगा कि अभी इतने साल हो गए मुझे अध्यक्ष बने, आप दूसरे किसी को अध्यक्ष बनाओ, ये नहीं होता। और संगम में भी हमारे अलग संगठनाएं हैं, उसमें भी कोई आगे आकर अपने दोष को नहीं बताता, छुपाता है, इसलिए हमारे संगठन मजबूत नहीं होते। तो उस समय जो शाक्य संघ में अगर दोष हो गए, आपके हाथ से कोई अगर गुनाह होता है तो आप खुलेआम बता दीजिए, किसी ने आरोप किया तो उसको कह दीजिए कि हमारे हाथ से ऐसा ऐसा गुनाह हो गया, आपकी सही बात है। अगर आपने किसी प्रकार का दोष नहीं किया, आपने किसी प्रकार का गुनाह नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर दोषारोपण लगाया जाता है, किया जाता है, तो उस समय आपको पूरा अधिकार था, सदस्य को पूरा अधिकार था कि वो खुल करके अपनी बाजू रख सकता था, और वो बाजू उसके जो सब बातें सुन करके उसको न्याय भी मिलता। ऐसा नहीं कि किसी ने दोषारोपण किया तो वो गुनहगार हो गया। कभी कभी आपस में जो ईर्ष्या होती है, आपस में मतभेद होते हैं, उस कारण कभी कभी संगठन में गलत दोषारोपण भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि गलत नहीं होता, होता है, लेकिन उसको पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सफाई दे सके। उसको पूरा अधिकार है कि ये गलती मेरी नहीं हुई। जैसे कोर्ट में अपन जा सकते हैं कि अगर किसी ने अपने पर आरोप लगाया है, झूठा आरोप लगाया, तो हम अपनी बाजू रख सकते हैं, कोर्ट में न्याय हम मांग सकते हैं। उसी प्रकार शाक्य संघ में भी ये पद्धति थी कि वो शाक्य संघ से न्याय मांग सकता था अगर वो दोषी नहीं है। तो इस प्रकार के चार बातें थी जो हर सदस्य को सदस्य बनते हुए वो बातों की शपथ लेना पड़ता था, वो बातें स्वीकार करना पड़ता था। जब तक ये बातें स्वीकार नहीं करता तब तक उसको सदस्य नहीं बनाया जाता, और वो भी पुरोहित के सामने, सेनापति के सामने, सभी संघ के सामने ये उसको कहना पड़ता था, स्वीकार करना पड़ता। इस तरह से सिद्धार्थ ने भी ये चार बातें स्वीकार की और वो संघ का सदस्य बने। उसके बाद में फिर उसको और बताया गया कि अगर आपके हाथ से ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो उस घटनाओं के कारण आपको सदस्य पद से हटाया जाता है।
आपका सदस्यत्व रद्द भी किया जाता था। ऐसे भी नियम थे कि ऐसा नहीं मैं सदस्य बनूंगा तो हमेशा सदस्य रहूंगा, चाहे मैं कुछ भी करूं, कितना भी गुनाह करूं। अभी जो सिस्टम चल रही है, इस सिस्टम ऐसे ही शाक्य संघ में ये अलग टाइप की सिस्टम थी कि अगर वो गलत काम करता है तो उसकी सदस्यत्व भी रद्द किया जाता था, उसको सदस्य से हटाया जाता था, निकाला जाता था। तो कौन सी चार बातें हैं वो अभी आपके सामने रखूंगा। तो चार बातें हैं। पहली बात है व्याभिचार। पहले सबसे ज्यादा महत्व दिया व्याभिचार को, जो जबरदस्ती से लैंगिक दुराचार करता है, व्याभिचार करता है, अगर वो प्रूफ हो गया तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, उसको सदस्य से हटाया जाता है। अगर वो व्याभिचार में लिप्त दिखाई देता था, लिप्त होता था, व्याभिचार करता था, तो उसको सदस्य से हटाया जाता था। दूसरा था कि हिंसा, हत्या, वो बिना वजह से, बिना कारण अपने स्वयं के इच्छा के अनुसार, मुझे गुस्सा आया, झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, मार दिया मैंने, इस तरह से जो हत्या करता था, जो ज्यादा ज्यादा द्वेषी था, घृणा करने वाला, द्वेष, ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी गुस्सा आता और गुस्से में वो कुछ भी कर लेते। तो जिसने हत्या की है, जिसने जीवित को मार दिया है, यानी जीवित मनुष्य समझ लीजिए, ऐसा तो नहीं कि प्राणियों को मारने से, तो उस समय तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय तो जंगल में शिकार करते थे। अब ये जीवित इंसान की अगर कोई हत्या करता है बिना वजह से, बिना कारण से, बिना सुरक्षा, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने के लिए अगर कोई सैनिक हिंसा करता है, या भी आप भी खुद की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अगर आप हिंसा करते हैं तो वो जायज है। लेकिन इसमें जो है वो अगर किसी ने हत्या की तो उसको सदस्य से निकाला जाता था। ये पहले ये शर्त थी, ये शर्त उसको पहले मान्य करना पड़ता था कि आपको, देखो आपको हटाया जाएगा, ऐसे ऐसे आप काम करोगे तो आपको हटाया जाएगा, इस तरह से उसको बताया जाता था। तीसरा जो था चोरी, जो चोरी करता है उसको सदस्य से निकाला जाए। अभी तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी होते हैं तो उसको कोई निकालता नहीं, उसको सारे गुने माफ, तुम कुछ भी करो, चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, कुछ तो ये उस समय जो सदस्य के प्रति ये था सदस्य जो था उसके प्रति ये रवैया था, उसके लिए ये नियम था कि अगर तुम चोरी करते हो, चोरी करने के बाद, चोरी करते समय अगर आपको पकड़ा जाता है, आपको ये कहा जाता है, यानी आप चोरी किया ये अगर प्रूफ हो जाता है तो आपको सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं, आपको सदस्य से हटाया जाता था। और चौथा है झूठी साक्ष, यानी कोर्ट में कहीं जगह आपको बुलाया गया है साक्ष्य देने के लिए, आप स्वयं के हित के लिए, फिर अपने किसी खास आदमी के हित के लिए झूठ बोल करके उसको गुने से
जो उसने गुनाह किया उसको जो सजा होने वाली थी उस सजा से आप बचाना चाहते हो। झूठी साक्ष्य कहने का मतलब है आप टोटली झूठ बोल करके किसी को गुनेगार को गुने से बचाते हो। तो ऐसे अगर प्रूफ हो गया, ऐसी जानकारी संघ को मिली, ऐसा पता चला, तो आपको संघ के सदस्यत्व से हटाया जाता था, सदस्य आप नहीं रह सकते थे। इस तरह से ये चार बातें जो है सिद्धार्थ को बताई गई, सिद्धार्थ गौतम को पुरोहित ने बताया और सिद्धार्थ ने सारी बातें स्वीकार कर ली। इस तरह से संघ की कार्यप्रणाली थी कि कुछ कर्तव्य भी थे और कुछ ऐसे नियम थे और कुछ ऐसी बातें थी वो करने से सदस्यत्व रद्द भी किया जाता था। तो सिद्धार्थ जो है संघर्ष का सदस्य बनने के बाद उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि कोई निजी अपने घर के जो जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से वो अपने घर के काम जैसे संघ के कार्य भी करते थे। संघ को पूरी तरह से समर्पित थे और संघ के लोग सभी सिद्धार्थ गौतम को बहुत प्यार करते थे। सिद्धार्थ गौतम ये सबके प्रिय थे, सभी लोग उनको बहुत मानते थे। इस तरह से ये था, तो उन्होंने स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था। लेकिन ये संगत चलते रहा 8 साल तक, बहुत ही अच्छा संगत चला। लेकिन 8 साल के बाद कौन से सिद्धार्थ सदस्य बनने के 8 साल के बाद ऐसी एक घटना हो गई। हम उस घटना के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हमने संघ को कैसे चलाया जाता था, संघ की कैसी सिस्टम थी, ये आपके आपको इसलिए बताया गया कि हमारे भी बहुत सारे संघ हैं, संगठनाएं हैं और उसमें हम भी सदस्य है, कोई अध्यक्ष होगा। तो इसलिए आपको बताया गया कि उस समय शाक्य संघ में कैसी कार्रवाई चलती थी, उसमें से हमें कुछ अच्छी जानकारी अगर मिल जाती है तो हम भी अपने संघ को उस टाइप से चलाने में कामयाब होंगे, हम भी चला पाएंगे। इसलिए हमें इसको अच्छे से जानकारी को सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उस प्रकार हम भी कोशिश करें कि हमारे संगठनाएं और संघ अच्छे चले, उसमें नियमों का पालन हो, सभी सदस्य नियमों का पालन करें ताकि हमारे संघ अच्छे चले। क्योंकि आपको पता है, आप सब जानते हैं कि जिनके संघ मजबूत है, जिनका संघ मजबूत है वो शासन करता है। डेमोक्रेसी में, लोकशाही में, प्रजासत्ताक में जो भी संघ मजबूत है, अच्छे शरीर से चलते हैं, संघ में एक निर्णय होता है। जैसे हम वज्जी के बारे में आपको स्वतंत्र विषय लेकर के आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि वज्जी के 7 नियम थे, कौन से थे, किस तरह से कार्य उनका चलता था, वो अलग विषय है। लेकिन जिनका संघ ठीक चलता है, जिनके संगठनाएं अच्छी चलती है, वो हर क्षेत्र में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हमारे संघ अगर ठीक नहीं चलते तो हम कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए ये विषय आपके सामने रखा गया। तो उनके जब 28 साल की 20 साल के पूरे होने के बाद में ये सदस्य हो गए, उसके 8 साल बाद यानि 28 साल पूरे होने के बाद 8वें साल के बाद एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के कारण
संघ में हलचली मच गई, शाक्य संघ में हलचली मच गई। तो वो घटना कौन सी थी और उस घटना का किस तरह से परिणाम हुआ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप इस बात को गौर से सुनेंगे, अच्छे से आप सुनेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि शाक्य और कोलियो जो लोग थे उनके बीच में एक रोहिणी नाम की नदी थी। अब वो रोहिणी नाम की नदी जो है उसका पानी है दोनों राज्य के लोग लेते थे, ये कोलियो भी लेते थे और शाक्य भी लेते थे। उनकी कभी कभी बारी होती थी कि इस समय शाक्य लेना चाहिए, उसके बाद में कोलियो लेना चाहिए, अब इसमें कोलियो लेना चाहिए, उसके बाद में शाक्य लोगों ने लेना चाहिए। लेकिन जो मजदूर थे, पानी ले जाने वाले थे, जो मजदूर थे, वो मजदूर कभी उसकी बारी नहीं होने के बावजूद भी आ जाते थे और उनमें हमेशा झगड़ा चलते रहता था, पानी के लिए हमेशा झगड़ा चलते रहता था। लेकिन इस बार दोनों मजदूरों में, कोलिया और शाक्य के जो पानी ले जाने वाले लोग थे, मजदूर थे, उनमें बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ, काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ। इस झगड़े के कारण ये घटना निर्माण हुई, झगड़े के कारण झगड़ा हुआ। फिर सबको पता चला झगड़ा हुआ, फिर सेनापति को भी पता चला, सेनापति ने फिर सभा बुलाई शाक्य संघ की। सभा बुलाने के बाद सेनापति खड़ा हो गया और सेनापति ने कहा कि ये हमेशा झगड़ा होते रहता है, कोलियों के साथ, कोलियों के साथ हमेशा झगड़ा होते रहता है। अब हम चाहते कि झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो इसके लिए एक ही पर्याय है कि कोलियों से युद्ध किया जाए, युद्ध किया जाए, युद्ध के बगैर ये परिस्थिति शांत नहीं होगी, नहीं तो हमेशा झगड़ा होते रहेगा। इस तरह से सेनापति ने शाक्य संघ में खड़े होकर अपना प्रस्ताव रखा, बात रखी। पहले क्या संघ में बात रखना पड़ता था, उनकी बात पूरी तरह से संघ के लोग, जो बैठे हुए लोग थे, वो पूरी तरह से समझ लेते थे और समझ लेने के बाद में शांत होते थे। फिर अगर किसी का विरोध नहीं रहा तो फिर वो पारित हो जाता था, अगर कोई विरोध करता है तो फिर वो पारित नहीं होता था, उसका जो प्रस्ताव है वो रिटर्न हो जाता था। तो इन्होंने ये प्रस्ताव रखा, कौन सा रखा, कि कोलियो से युद्ध करना आवश्यक है, ये प्रस्ताव रखा। तो ये प्रस्ताव रखने के बाद फिर सिद्धार्थ गौतम ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। सिद्धार्थ गौतम खड़े हो गए और उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी है, इतने जल्दी युद्ध का निर्णय लेना ये बहुत जल्दबाजी होगी, उसके पहले हमें कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये न्याय नहीं होगा। तो उन्होंने खड़े होकर के दो बातें सुझाई, उन्होंने दो बातें कही सिद्धार्थ गौतम ने। एक बात कही कि ये घटना जो है, इस घटना को सावधानी पूर्वक उसकी जांच करना चाहिए। देखो, एक सिद्धार्थ गौतम का विचार आपके सामने रखता हूँ, ये इस घटना के द्वारा
सिद्धार्थ गौतम के चित्त में क्या था, किस तरह से उनकी प्रवृत्ति थी, कितने वो ज्ञानी थे और लोगों के बारे में उनके चित्त में, उनके मन में कितना मैत्री भाव था, ये आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि पहले जांच होना चाहिए, सावधानी से इसकी जांच होना चाहिए, ऐसी नहीं, सावधानी से जांच होना चाहिए, इसमें दोषी कौन है, कभी अपने लोग दोषी हो सकते हैं, कभी दोनों में झगड़ा हो गया तो हम क्या सोचते हैं कि दूसरा ही दोषी है, हम कभी स्वयं को दोषी मानते नहीं, हमारे बच्चों में कोई दोष हो सकता है, हमारे बच्चों से कोई गलती हो गई या फिर हमारे बच्चे ने स्वयं पहले झगड़ा किया, ऐसे दिमाग, ऐसी बात हमारे दिमाग में आती नहीं, सीधा बच्चों को बोलते हैं कि चल मैं तेरे साथ आती हूँ स्कूल में, कौन से बच्चे ने मारा, कौन से बच्चे ने, जाके वो बच्चों को भी डांटेंगे और वहाँ के टीचर को भी डांटेंगे, क्या आप देखते हो बच्चों को ध्यान नहीं है, मेरे बच्चों को मारा, लेकिन ये पूछताछ नहीं करते कि उसने तुम्हारे बच्चों को मारा होगा, क्यों मारा होगा, तुम्हारे बच्चे ने भी पहले मारा होगा उसको, वो बेचारा चुपचाप रहा और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे तरफ दौड़ते दौड़ते आए, पहले गलती तुम्हारे बच्चे की होगी, उसने उसकी किताब फाड़ा होगा, कुछ उसकी चीज़ें चुराया होगा, अब उसकी आप जांच नहीं करोगे, एकदम उसके ऊपर आप फायरिंग करोगे, ये मनोवृत्ति है, ये अपने की अपनी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हमें समझना चाहिए कि किस तरह से प्रोसीजर होती है, किस प्रकार प्रक्रिया होती है, इसलिए आपके सामने वो हम इस विषय को इसलिए आपके सामने रखना चाहते थे कि ये प्रक्रिया आपको समझना चाहिए। तो इस तरह से सिद्धार्थ कहते हैं कि सावधानी पूर्वक जांच की जाए कि इसमें गलती किसकी है, उसकी जांच की जाए, और दूसरा बात कहते हैं कि दोषी कौन है, इसकी जांच करो, इसमें से दोषी कौन है इसकी जांच करो, और उसमें दूसरी बात वो ठहराव रखते हैं, दूसरी बात रखते सिद्धार्थ कि कितनी अच्छी बात है, इसलिए आपके सामने रखने का जो मतलब जो है ये है कि आपने पढ़ा भी होगा बुद्धायन धम्मा ग्रंथ में कि शाक्य संघ का जो है वो चाप्रकरण आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि प्रोसीजर क्या थे उस समय, किस तरह से सिद्धार्थ गौतम की बचपन से ही कैसी प्रवृत्ति थी, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी कि वो रोकना चाहते थे, युद्ध को रोकना चाहते थे, घटनाओं को जो खून खराबा करने वाले घटनाओं को रोकना चाहते थे, इसलिए दो उन्होंने बातें बताई खड़े होकर कि एक तो दोषी कौन है, सावधानी पूर्वक उसकी जांच होना चाहिए और दोषी को फिर समझाना चाहिए, दूसरी बात कि युद्ध न करते हुए अगर कोई भी दोषी हो, लेकिन इसका पर्याय ये नहीं कि तुम युद्ध करो, लोगों को मारो, खून बहाओ, किसी के भाई को मार दो, किसी के पति को मार दो, किसी के बाप को मार दो, खून बहाओ, ये नहीं है उसका मतलब। उन्होंने एक इतना अच्छा सॉल्यूशन बताया कि उन्होंने जो बात बताई थी वो बात आज भी हमारे समाज में लागू होना चाहिए। अगर इस सिद्धार्थ गौतम ने उस समय जो बात कही थी उस बात पर अगर गौर से हम चिंतन करते हैं, गौर से अगर हम विचार करते हैं, तो हमारे परिवार के झगड़े जो है, परिवार के जो वाद है, वो उसका इजीली सरलता से उसका निराकरण हो सकता है। तो सिद्धार्थ गौतम ने ये बात कही थी कि हमारे शाक्य के ओर से दो आदमी चुनो और कोलियों को भी बताओ कि पूरे उनके तरफ से सिर्फ दो आदमी को चुनो, दो दो आदमी चुनने के बाद ये दो दो आदमी चुने हुए
एक पांच पांचवे आदमी का चुनाव करेंगे दोनों। इस तरह से पांच लोगों की एक चारों मिलकर पांचवा चुने और ये पांच जन पांच लोग मिलकर के इस झगड़ा जो हुआ उसका निराकरण करें, उसके बारे में वो काम करें और इसके बाद कोई झगड़ा न हो इसके वो ख्याल रखें। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने एक अच्छा सॉल्यूशन दिया था, लेकिन जो उनका भी सॉल्यूशन अच्छा लगा, लोग शांत रहे। अगर सिद्धार्थ गौतम ने जो सॉल्यूशन बताया था उस समय भी लोग शांत हुए थे, विधिवत उन्होंने प्रस्ताव रखा, लोग शांत भी रहे, लेकिन सेनापति विरोध करता था, सेनापति विरोध में खड़ा हुआ और विरोध में खड़ा होकर ये कहा उसने कि जब तक हम कोलियों को दंडित नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा चलते रहेगा, इसलिए ये जो युद्ध होना आवश्यक है, जरूरी है, नहीं तो ये ऐसे झगड़ा चलते रहेगा। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने जो प्रस्ताव रखा था उस प्रस्ताव का विरोध सेनापति ने किया। अब संगम में क्या हुआ, दोनों बातें आ गई, एक सेनापति की बात आ गई कि उसने जो युद्ध का प्रस्ताव रखा था, और सिद्धार्थ गौतम ने जो प्रस्ताव रखा था वो युद्ध रोकने के लिए प्रस्ताव रखा था, एक बीच में समझौता का रास्ता दिया था, एक अच्छा रास्ता दिया था जो बिना हिंसा से इसका अच्छा निराकरण हो, ये अच्छा रास्ता दिया था। लेकिन क्या हुआ, दोनों में विरोध हो गए, दोनों के प्रस्ताव हो गए। अब दोनों के प्रस्ताव संघ में रखने के वजह से क्या हुआ कि अब वोटिंग की बारी आई। अगर किसी एक ने प्रस्ताव रखा होता तो वोटिंग की बारी नहीं आती थी, मतदान करने की बारी नहीं आती थी, लेकिन दो प्रस्ताव हो गए। अब दो प्रस्ताव होने के वजह से फिर संघ में वोटिंग हुई, मतदान हुई, तो मत लेना आवश्यक पड़ा। तो जब पहले जो सिद्धार्थ गौतम के मत का संशोधन हुआ, यानी सिद्धार्थ गौतम का जो मत था उसको पहले रखा गया, उसका प्रस्ताव रखा गया। सिद्धार्थ गौतम का जो मत था कि जांच होना चाहिए दोषी को, और दूसरा जो उनका था कि समझौता होना चाहिए और समझौता होके एक बंटवारे के लिए कार्य अच्छा होना चाहिए, दो दो आदमी चुन के पाँचों पाँच आदमी करके उसका एक निराकरण करने के लिए एक समिति बनाया जाए, ये था। तो उसके उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था तो लोग उस समय भी शांत थे। देखो परिस्थिति कैसी थी, सिद्धार्थ ने जो खड़े होकर जो प्रस्ताव रखा तब भी लोग शांत थे, ऐसा लगता था कि बहुमत से सिद्धार्थ की बात मानेंगे लोग, लोगों को ये बात पसंद आ रही है। लेकिन उसके बाद जैसे सेनापति खड़ा हो गया और सेनापति ने इस बात का विरोध किया कि वो सेनापति के डर के मारे उनका जो मत था कि वो सेनापति का मत बहुमत से पारित हुआ और सिद्धार्थ का जो मत था वो अल्पमत में आ गया। अब बहुमत किसके तरफ आ गया, सेनापति के तरफ। सेनापति का कहना क्या था कि कोलिये से युद्ध होना चाहिए, और सिद्धार्थ का मत था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसे युद्ध रोका जाए। लेकिन बहुमत होने के पा की और बहुमत होने के वजह से सिद्धार्थ का जो बहुमत हुआ, सिद्धार्थ के विरोध में मत हुआ, फिर भी सिद्धार्थ ने
खड़ा होकर बहुमत होने के बावजूद भी सिद्धार्थ ने रोकने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने बहुत प्रयास किया, सिद्धार्थ गौतम ने काफ़ी प्रयास किया कि युद्ध को रोका जाए, कोई भी हालत में युद्ध को रोका जाए, ये उनकी एक तमन्ना थी, एक इच्छा थी। इसलिए सिद्धार्थ ने फिर विरोध करते हुए, यानी बहुमत से पारित होने के बावजूद भी सिद्धार्थ ने फिर अपना मत रखा लोगों के सामने। ये कहा कि शाक्य और कोलिया ये निकट संबंधी है। बहुत ही अच्छी बात रखा कि उन्होंने इसलिए विरोध किया, इस बात से अभी पता चलता है कि कोली और शाक्य ये परस्पर संबंधी थे, रिश्तेदार थे। उनकी माता स्वयं कोलियो संघ की कोलियो की थी, सिद्धार्थ गौतम की माँ, यानी इनके आपस में रिश्ते चलते थे, शादी के रिश्ते चलते थे। तो सिद्धार्थ गौतम का ये कहना था कि ये कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे संबंधी है, हमारे सगे रिश्तेदार हैं। तो इस तरह से क्या ये बुद्धिमानी है कि एक एक आदमी दूसरे आदमी को बर्बाद करे? ये कोई सही सलाह है? ये क्या सही बात है कि एक आदमी दूसरे आदमी को बर्बाद करने की कोशिश की जाए? ये बात सही नहीं है। इसलिए सिद्धार्थ ने अपने बात को फिर से खड़ा होकर बात रखा, लेकिन लोगों में एक प्रकार का दबाव था। जब बहुमत आ गया तो बहुमत में एक प्रकार का दबाव होता था, और अभी भी देखो जहाँ बहुमत होता है वहाँ पर जो अल्पमत में लोग रहते हैं उनके ऊपर उनका एक प्रेशर रहता है बहुमत का। उसी समय ये हुआ, उस समय भी ये घटना हुई कि सेनापति के तरफ बहुमत था, और सिद्धार्थ की बातें कितनी भी अच्छी हो लेकिन सिद्धार्थ के तरफ अल्पमत होने के वजह से सिद्धार्थ की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था डर के मारे। तो इसलिए फिर सेनापति उठे और सेनापति ने फिर से बात कही कि उन्होंने जो सिद्धार्थ गौतम ने जो तर्क दिया था कि ये जो निकट हमारे संबंधी है, हमारे रिश्तेदार हैं, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्ते को बर्बाद करे ये ठीक नहीं है, ये तर्क दिया था, उस तर्क का सेनापति ने विरोध किया, और इस तरह से जो सिद्धार्थ गौतम का मत अल्पमत में आ गया। और इसके बाद में क्या हुआ ये हम इसके आगे आपको बताएंगे। अवश्य आप योशन बुद्धा देखते रहिए, और इसको हर रोज जो भी प्रसारित होता उसमें आप देखिए, और उसमें जो भी आपके जो बातें होती है, कोई खुशियाँ होती है, कोई ये है, तो उसकी जो आप बात इसमें योशन बुद्धा में एडवर्टाइजमेंट आप करते रहिए, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। साधु साधु साधु।